एक चीज को केंद्रीयता देनी पड़ती है। केंद्रीयता माने सबसे प्राथमिक जगह, सबसे ऊंचा महत्व। तुम जो पढ़ाई करना चाहती हो, अगर वो तुम्हारी नज़रों में सबसे कीमती चीज़ है, तो फिर उसके लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है, कुछ भी छोड़ा जा सकता है। अपने आप को साफ बता दो कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसे मौकों पर, ऐसे समयों पर मौजूद रहने की, जहाँ तुम्हारे मन को मलिन किया जा रहा हो, मन में नाहक हलचल और विक्षेप पैदा किए जा रहे हो। कोई तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम्हें वहाँ मौजूद रहना ही रहना है। लेकिन छात्रा हो, व्यवहारिक दिक्कत भी समझता हूँ, शायद पूरे तरीके से उस माहौल से उस समय पे दूर ना हो पाओ। तो फिर दूसरा सूत्र ये है कि जितना ज़्यादा बाहर शोरगुल बढ़े, उतना ज़्यादा तुम अपने भीतर याद करने लग जाओ कि तुम्हें क्या करना है। बढ़ता हुआ शोरगुल तुम्हारा सहायक बन जाए, वो तुम्हें और ज़्यादा याद दिला दे जाए कि बाहर जो चल रहा है, तुम्हें उस तरह के माहौल में आगे भी नहीं रहे आना है। और अगर तुम्हें उस तरह के माहौल में आगे भी नहीं रहे आना है, तो फिलहाल तुम उस शोरगुल में प्रतिभागी बिल्कुल नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? दो बातें कह रहा हूँ। पहला, जितना संभव हो सके, जहाँ देखो कि इस तरह का कोई मौका अब तैयार हो रहा है जिसमें तनाव होगा, बहसा बहसी होगी, शोरगुल, लड़ाई झगड़ा, तुम थोड़ा उससे खुद ही दूर हो जाओ, कुछ युक्ति लगा लो, कोई बहाना लगा लो। और जब दूर ना हो पाओ, मान लो फंस ही गए, आसपास ये सब चल ही रहा है, तो बाहर जितनी ऊंची हो आवाज़, तुम्हारे भीतर भी आवाज़ उतनी ही ऊंची हो जानी चाहिए। बाहर की गंदगी तुम्हें और ज़्यादा मजबूती से, जोर से एहसास दिला दे, याद दिला दे कि यही तो वो चीज़ है जिससे हटना है मुझे, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई कर ही इसीलिए रही हूँ ताकि ज़िंदगी भर ऐसे माहौल में ना रहना पड़े। तो फिर ये जो बाहर का शोरगुल है, ये बाधा बनने की जगह हो सकता है कि तुम्हारा सहयोगी बन जाए। सहयोगी नहीं भी बनेगा, तो कम से कम जो बाहर की उठापटक भीतर प्रवेश कर जाती है और भीतर हलचल मचा देती है, भीतर हलचल नहीं मचेगी या कम मचेगी। इतना महत्व तो किसी और चीज़ को मत दो कि वो तुम्हारे लिए समस्या बन जाए। जब तुम्हारे सामने एक केंद्रीय समस्या खड़ी हुई है, यही जीवन जीने की विधि है। एक केंद्रीय समस्या पकड़ो ना, मैं उस केंद्रीय समस्या को आत्मज्ञान कहता हूँ, कभी मुक्ति कहता हूँ। वो केंद्रीय समस्या है, वो बड़ी भारी समस्या है, हल ही नहीं होती। तुमको उस समस्या को आत्मज्ञान या मुक्ति का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो अभी अवस्था है जीवन की, उसमें तुम अपनी समस्या को यही नाम दे दो कि मुझे पढ़ाई करके अपने लिए एक अच्छी नौकरी हासिल करनी है। ठीक है, तुम्हारी अवस्था में मान लो तुम्हारे लिए वो केंद्रीय समस्या है, और फिर उसी पर पूरे तरीके से समर्पित हो जाओ।